हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप 2022 के बारे में कि ऑनलाइन फॉर्म भरने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। तो यहाँ पर फॉर्म भरने से पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए कि जैसे कि आप फॉर्म भरते समय कोई भी गलती ना करें। वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के साथ साथ आल के बटन पर क्लिक कर लें जैसे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आसानी से आप देख सकते हैं कि इंस्पायर स्कॉलरशिप के ऑनलाइन फॉर्म भरने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक फ़ोटोग्राफ होना चाहिए जो कि मैंडेटरी है, यानी अनिवार्य है। फॉर्मेट क्या होनी चाहिए? JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। अधिकतर जो फोटो वगैरह होती हैं वो JPEG फॉर्मेट में ही होती हैं, तो आपको अपना जो फोटो है वो JPEG फॉर्मेट में कर लेना है अगर नहीं है। और उसका मैक्सिमम साइज यानी 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका 1 KB का हो सकता है, 49 KB का हो सकता है, 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपके क्लास का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, जो भी आप हाई स्कूल का मार्कशीट है जो कि प्रूफ के लिए है, आपके डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए है, उसका PDF फॉर्मेट होना चाहिए और 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आपका इंटर का यानी इंटरमीडिएट का 12th का मार्कशीट होना चाहिए जो कि PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और 1 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट, यहाँ पर एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट, पहली बात स्टूडेंट जानता ही नहीं कि एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट क्या होता है, तो यहाँ पर चैनल द्वारा वीडियो प्रोवाइड किया गया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है कि आखिर में एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट क्या होता है और यहाँ कहाँ से डाउनलोड किया जाता है, कैसे भरा जाता है और यहाँ पर सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट के बारे में प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पर वीडियो पॉज करके आप आसानी से एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट का वीडियो देख सकते हैं कि आखिर में कैसे डाउनलोड करें और कैसे फिलअप करें। तो यहाँ पर जो एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट है वो भी PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और 1 MB से कम का होना चाहिए। उसके बाद एलिजिबिलिटी नोट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एलिजिबिलिटी नोट इफ प्रोवाइडेड बाय द स्टेट सेंट्रल बोर्ड नॉट मैंडेटरी। यहाँ पर एलिजिबिलिटी नोट अगर आपका बोर्ड प्रोवाइड करता है तो आप लगा दीजिएगा, यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है यानी अनिवार्य नहीं, अगर आपके पास है तो आप लगा दीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पर इसको ऐड करना अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास है तो यह PDF फॉर्मेट में और 1 MB से कम का यहाँ पर साइज होना चाहिए। उसके बाद सर्टिफिकेट स्पेसिफाई रैंक अवार्ड IIT JEE नेट, अगर आप IIT नीट, JEE, APMT नीट, यहाँ पर NTSC इंटरनेशनल ओलंपियाड मेडलिस्ट इत्यादि है, तो आप अगर आपके पास सर्टिफिकेट है स्पेसिफाइंग करने का रैंक का तो आप लगा दीजिएगा यहाँ पर इफ अप्लीकेबल, अगर अप्लीकेबल है तो लगाइएगा, अगर आपके पास है तो PDF फॉर्मेट में 1 MB के कम का लगाइएगा। उसके बाद कम्युनिटी कार्ड सर्टिफिकेट, अगर इफ अप्लीकेबल, अगर आप जनरल कैटेगरी बिलोंग करते हो तो आपको नहीं लगाना है, अदरवाइज आप OBC या SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना कम्युनिटी या कार्ड सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र लगाना है जो कि PDF फॉर्मेट में ही होना चाहिए और शायद इसका 1 MB से कम का होना चाहिए। एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप लगा दीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पर लगाना मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपको सबसे पहले फोटोग्राफ आपका तैयार होना चाहिए, हाई स्कूल की मार्कशीट फोटोग्राफ, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये 5 डॉक्यूमेंट तो आपको लगाने ही लगाने हैं। फिर से सुन लीजिएगा, फोटो, आपकी फ़ोटो, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप अपर कास्ट से बिलोंग नहीं करते हैं, मतलब अगर आप OBC कह सकते हैं, OBC SC या ST कार्ड से बिलोंग करते हैं तो आपको ये 5 डॉक्यूमेंट लगाने हैं, अदरवाइज आप जनरल कैटेगरी बिलोंग करते हैं तो आपको ये 4 डॉक्यूमेंट यानी आपकी फ़ोटो, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट और एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट आपको ये लगाने ही लगाने हैं। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी नोट है तो आप एलिजिबिलिटी नोट लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फॉर्म भरने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट अपने तैयार कर लीजिएगा, साइज में बना लीजिएगा, 1 MB से कम का होना चाहिए और टाइप PDF फॉर्मेट में आपका ये होना चाहिए, केवल एक जो फोटो है वो ही आपकी JPEG फॉर्मेट में है और सारे डॉक्यूमेंट आपका PDF फॉर्मेट में अपलोड होते हैं। तो यहाँ पर पहले ही वीडियो आ चुका है कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया है, आसानी से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप बिना किसी गलती किए हुए। उसके बाद फॉर्म कैसे भरा जाता है उस पर भी वीडियो लगातार आ रहा है, आप लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए आपकी, आप आसानी से अपने घर बैठे मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, जो भी आप डिवाइस यूज़ करते हैं उससे बिना किसी गलती किए हुए अपना ऑनलाइन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे भर सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। इंस्पायर स्कॉलरशिप से रिलेटेड लगभग सारे टॉपिक पर हमारे वीडियो आ चुके हैं, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जीमेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की हुई है।
इससे रिलेटेड अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।